जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी प्यारी भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को टेस्ट सीरीज में बुरी तरीके से कुचल दिया है और अब हमारी भारतीय टीम तैयार है इंग्लैंड को T20 सीरीज में कुचलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, BCCI ने इंग्लैंड के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज का ऐलान कर दिया है और जिसके लिए हमारी भारतीय टीम के स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और दोस्तों ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह मिली है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों क्या रहने वाली टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पहले T20 मुकाबले के लिए, वो भी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आप भी केएल राहुल को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के साथ जो T20 सीरीज होने वाली है दोस्तों, ये अभी हाल फिलहाल में नहीं होने वाली है। जैसा कि आप लोग YouTube पर देख रहे होंगे कि 3 T20 मैचों की सीरीज जो खेली जाएगी वो अभी से खेली जाएगी, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सीरीज दोस्तों वर्ल्ड कप T20 के बाद में खेली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज वर्ल्ड कप T20 के बाद में खेली जाएगी क्योंकि IPL है और IPL के तुरंत बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा T20 का, तो उसके बाद ही ये श्रृंखला खेली जानी है। उसके लिए दोस्तों स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जो स्क्वाड वर्ल्ड कप में रहने वाला है वही स्क्वाड T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड के खिलाफ भी रहने वाला है। तो दोस्तों क्या है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, वो आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी हो गई है और किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है वो सब आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा बहुत जाने माने कप्तान और बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं, उन्हीं सबको देखते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है और किन किन खिलाड़ियों को चुना है चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग स्लॉट में अपने आप को रखा है और उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि अपने साथ में उन्होंने शुभमन गिल को मौका दिया है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल को इस सीरीज में खिलाया गया है, लेकिन हो सकता है कि पहले T20 मुकाबले में शुभमन गिल को जगह मिले रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि दोस्तों एक तरफ रोहित शर्मा बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो उस टाइम पे रन बनाए लेकिन उस तरीके से नहीं बनाए जिस तरीके से रोहित शर्मा बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा बहुत जल्दी आउट भी होने का खतरा उनका रहता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की, तो ये दोनों ही बल्लेबाज बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं और इससे खतरा बना रहता है कि दोनों तरफ कोई बल्लेबाज आउट ना हो जाए, और अगर दोनों ओपनर आउट हो जाते हैं तो टीम इंडिया बड़े संकट में फंस सकती है। इसीलिए पहले T20 मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने अपने साथ शुभमन गिल को मौका दिया है ओपनिंग स्लॉट में। और दोस्तों ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहने वाला है क्योंकि रोहित शर्मा एक तरफ से विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल थोड़ा सा डिफेंस करेंगे। तो दोस्तों इन सभी चीजों को देखते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने अपने साथ मौका दिया शुभमन गिल को। लेकिन दोस्तों एक तरफ ने विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा के बारे में तो बात कर ली, लेकिन शुभमन गिल के बारे में बात नहीं की है। तो दोस्तों ये शुभमन गिल बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और टीम इंडिया को बहुत जानदार और शानदार शुरुआत दिलाते हैं, लेकिन दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में इनका प्रदर्शन कुछ ज्यादा खास नहीं रहा था जिसकी वजह से इन्हें ज्यादा मौका भी नहीं मिला था। लेकिन T20 क्रिकेट में कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है क्योंकि हाल फिलहाल की इनकी फॉर्म देखें तो ये बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने नंबर 3 पर मौका दिया है विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा की T20 क्रिकेट में वापसी हुई है और इसी को देखते हुए आगामी सीरीज में मौका मिला इन दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि BCCI पूरी तरीके से तैयारी करने जाती है वर्ल्ड कप 2024 T20 के बारे में, और इसी को देखते हुए BCCI ने T20 क्रिकेट में इन दोनों ही बल्लेबाजों की वापसी कराई थी। और उसके बाद नंबर 4 पर मौका मिला है श्रेयस अय्यर को। दोस्तों श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप में चूक हो गए थे और उसी के बाद वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, लेकिन इसी को देखते हुए BCCI एक बार फिर से मौका दिया है और कप्तान रोहित शर्मा ने T20 सीरीज के लिए अपनी प्लेइंग 11 में उन्हें शामिल कर लिया है। और श्रेयस अय्यर एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। और उसके बाद नंबर 5 पर मौका मिला है दोस्तों विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल को। दोस्तों KL राहुल ने वर्ल्ड कप 2023 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और इसी का फल उन्हें T20 क्रिकेट में मिला है, और वर्ल्ड कप 2023 के बाद वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में भी उन्हें शामिल कर लिया गया है और वह प्लेइंग 11 पे नंबर 5 पर खेलते नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने नंबर 6 पर मौका मिला है दोस्तों उसी के बाद विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को। दोस्तों सूर्य कुमार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, हालांकि वनडे क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, लेकिन T20 क्रिकेट में हर एक गेंदबाज की वह बहुत बुरी तरीके से धुनाई करते हैं और इसी का फायदा टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2024 में मिलने वाला है। दोस्तों वर्ल्ड कप 2024 में सूर्य कुमार यादव बहुत आतिशी पारी खेलते नजर आने वाले हैं और इसी को देखते हुए फैंस ने काफी अच्छी उम्मीद जताई है उनसे। और उसके बाद दोस्तों नंबर 7 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को मौका मिला है। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023
और उसके बाद हाल फिलहाल में खेली गई टेस्ट सीरीज को देखते हुए इंग्लैंड के खिलाफ रविंद्र जडेजा को मौका मिला है, क्योंकि रविंद्र जडेजा काफी अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ वह निरंतर विकेट भी निकाल रहे हैं और इसी का फायदा उन्हें मिला है और प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर उन्हें मौका मिल गया है। तो वहीं नंबर 8 पर कप्तान रोहित शर्मा ने मौका दिया है तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। दोस्तों जसप्रीत बुमराह कभी कभी थोड़े बहुत शॉट भी खेल लेते हैं और वह अपनी यॉर्कर किंग के लिए जाने जाते हैं और उनकी यॉर्कर गेंदबाजी काफी घातक रहती है और इससे विरोधियों को चकमा देने के लिए उन्हें काफी हेल्प भी मिलती है। तो दोस्तों उसी के बाद नंबर 9 पर चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। दोस्तों कुलदीप यादव बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी की तो बात पूछो ही मत। हाल फिलहाल में अभी टेस्ट क्रिकेट में जो श्रृंखला खेली गई है इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के दांतों तले चने चबा दिए थे क्योंकि उनकी गेंद बहुत ज्यादा घूम रही थी और पता नहीं कहां से कहां को विकेट में जा रही थी और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों उसी के बाद नंबर 10 पर मौका मिला है दोस्तों तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को। दोस्तों हालांकि मोहम्मद शमी बाहर हो गए थे वर्ल्ड कप 2023 के बाद ही, लेकिन हो सकता है कि वे वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो जाएं। लेकिन दोस्तों अभी उन्हें इस सीरीज में शामिल किया गया है क्योंकि उनकी सर्जरी हो रही है और उनकी सर्जरी पूरी तरीके से हो पाई या नहीं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि वह वर्ल्ड कप 2024 और इस सीरीज में खेलते नजर आने वाले हैं, लेकिन आईपीएल 2024 से वो पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं। और आखिरी नंबर यानी कि 11वें पायदान पर मौका मिला है तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को। दोस्तों मोहम्मद सिराज ने पिछले कुछ सालों में अपनी गेंदबाजी में बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन किया है और उसी का फल उन्हें लगातार मिलता है क्योंकि वह हर सीरीज में खेलते हैं, चाहे वह टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या फिर T20 क्रिकेट हो। और अभी आईपीएल शुरू होने वाला है और आईपीएल T20 फॉर्मेट में खेला जाता है और इसी का फायदा टीम इंडिया उठाने वाली है क्योंकि वर्ल्ड कप 2024 भी आने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 जून को इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान से होने वाला है और टीम इंडिया इस मुकाबले में जीतती है या फिर हारती है कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट